गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैसला ने सरकार को चेता दिया है कि अगर MBC समाज के आरक्षण में कोई भी फेर बदल की गई तो हम रुकेंगे नहीं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसे 20 साल की लड़ाई और 73 लोगों की जान जाने के बाद प्राप्त किया गया था, ये हमारे लिए कोई सामान्य घटना नहीं है। उन्होंने कहा, आरक्षण मांगने का सबका अधिकार है, वो मांगे, लेकिन हमारे MBC समाज के आरक्षण में कोई बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। दरअसल विजय ने ये बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि हमें सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से ऐसी जानकारी समझ में आ रही है कि हमारे इस आरक्षण में सेंधमारी की तैयारी चल रही है, इसलिए सरकार और प्रशासन को यह संदेश देकर साफ साफ अपनी बात रखना चाहते हैं। MBC समाज में कुल 5 जातियां हैं, उन्हें ना तो कम करना है और ना ही इसमें से कोई बाहर जाएगा। हम अपना अधिकार संघर्ष से प्राप्त करके आए थे। विजय का कहना था कि माली और सैनी समाज आरक्षण के लिए आंदोलनरत हैं, वो कुछ भी करें, उनका हक है, लेकिन मुझे समझ आया कि हमारे आरक्षण में भेदभाव या छेड़छाड़ करने की कोशिश ना की जाए। सभी को अपने लिए आरक्षण और अन्य बातों की मांग रखना जायज हो सकती है। बैसला का यह भी कहना था कि हमारे 5% आरक्षण को 9वीं आरक्षण सूची में डाला जाए, इसके लिए हमें 2 सांसदों ने आश्वस्त किया है। मनोज राजौरिया और रंजीता कोहली ने बताया कि इस मुद्दे को सदन में उठाया जाएगा। बैसला ने कहा कि जो 3 महीने पहले समझौता हुआ था उस पर भी काम नहीं हो पाया, उस पर अभी भी काम नहीं हो पाया। सरकार ने बस आश्वासन दिया था, कार्यवाही कब होगी इसकी भी आवश्यकता है।